जय हिंद साथियों, आज हम लोग आपके सामने एनसीईआरटी गणित की सीरीज लेकर आए हैं और ये गणित की सीरीज हम लोग डे बाय डे आपके लिए पढ़ेंगे, क्योंकि गणित की सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गणित से डर लगता है तो आज की सीरीज और आने वाले हर सीरीज को पढ़ेगा, कि इस ये सीरीज जो है यह आपकी एनसीईआरटी सीरीज है और एनसीईआरटी सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये एनसीईआरटी मैथ है और इसमें हम पहला जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग को पढ़ना है अपनी संख्याओं की जानकारी। पहला टॉपिक है संख्या। जी हाँ, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं संख्या। संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं, आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने, नामकरण करने के लिए किया जाता है वे संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वे गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है वे सभी क्या कहलाती हैं, संख्या कहलाती हैं। अंकगणित में कुल 10 संख्याएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंकगणित में कुल 10 संख्याएं कौन कौन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 0 माने 9 संख्या प्लस 1 मिलाकर कुल कितनी है, 10 संख्याएं। अगर हम बात करें अंकगणित में कुल कितनी संख्याएं हैं तो कुल 10 संख्या होती हैं, जिनकी मदद से बड़ी संख्या बनती है। शून्य को पूर्ण संख्या माना गया, ध्यान रहे शून्य को क्या माना गया है, पूर्ण संख्या, माने शून्य सहित जो गिनती की संख्या होती है इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, और एक से लेकर जो शुरू होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाए उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 2 है, इसके बगल में अगर इसके पीछे लग जाए इसका मान कितना, 10 गुना बढ़ जाता है, माने 2 × 10, 10 गुना बढ़ गया। अगर 5 है तो 5 में 0 लग गया, मतलब 5 × 10, इसका भी क्या हो गया, 10 गुना मान बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया संख्या किसे कहते हैं, संख्या में गणित अंकगणित में कुल 10 संख्याएं होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे 2 के पीछे 0 लगाने पर, जैसा कि हमने देख लिया कि 2 के पीछे 0 लगाने पर क्या हो जाता है, 20, 5 के पीछे लगाने पर 50 और 10 के पीछे लगाने पर 100, मतलब 1000 हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। देखिए 10 के पीछे 2 0 लगाए मैंने 10 × 2 0 लगाए मैंने 10 × 10 कितना हो गया, 1000, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, ये 100 गुना बढ़ गया। मैंने 10 तो 2 0 लगाया तो 10 गुना, फिर 2 0 लगाएंगे तो 100 गुना, इस तरह से बढ़ जाएगा। 5 में लगाया 50, 20 में लगाया, तो ये क्रम हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 20 के पीछे 3 0 लगाने पर क्या होगा, 20000, और 500 के पीछे 4 0 लगाने पर 50 लाख। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपको गणित से डर लगता है, गणित नहीं आता, तो आप सीरीज के अंत तक बने रहिएगा। संख्याओं को अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है, संख्याओं को अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संख्याओं को अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। आइए नंबरों के बारे में जानते हैं, जैसे संख्या की तुलना कैसे की जाती है। 2 देख रहे हैं, 1 2, यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 1 2 3 और 4, मैंने संख्याओं की तुलना, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है, इसे विभिन्न प्रकार से आकलन कह सकते हैं। 2 है 3 है 4 है, इसमें कौन छोटी है कौन बड़ी है, तो यहाँ पर हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जैसे किस थाली में लड्डू ज़्यादा है, पिंकी के थाली में 11 मिठाई है, इसमें 10 है, तो पिंकी की थाली में छोटू से ज़्यादा लड्डू है। अब अगर अपनी संख्याओं की जानकारी जो लेसन फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें, जैसे यहाँ पे संख्या दिया गया है 92 392 4456, 89742, में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देख रहे हैं ये 5 अंक की संख्या है जो सबसे बड़ी है। यहाँ पर 1902 1920 है, 9201 है, 9210 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको ये पता हो गया, हाँ सर ये तो सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पर ये सबसे बड़ी संख्या है। तो एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या भी होती है, जो प्रत्येक समूह होती है उनमें भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होती है। अगर इसमें देखा जाए तो 45 36 48 92 43 70 44 52, इसमें सबसे बड़ी संख्या 48 92, सबसे छोटी संख्या अगर देखा जाए तो 43 170 है। इसमें भी देखा जाए सेम प्रक्रिया, यहाँ पे बी में भी देखा जाए सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यहाँ पे भी देखा जाए इस संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, मतलब ये आसान है। अगर आप गणित थोड़ा बहुत जानते हैं तो सीरीज आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब आप डी वाले में बताइएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या क्या है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बेसिक गणित है आप सभी के लिए एनसीईआरटी की। उचित क्रम में खड़े होना, जैसे इनमें कौन सबसे, इनमें से कौन सबसे लंबा है, इनमें कौन सबसे छोटा है, मतलब अगर हम बात करें कि जो क्रम होता है इसी से साथ हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखें रामहरि डोली मोहन राशि, रामहरि 160 सेमी है, डोली 154 सेमी है, मोहन 158 सेमी है, सस 159 सेमी है, क्या आप इन्हें इनकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं,
हाँ हम इन्हें लंबाइयों में बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। आइए देखें कैसे खड़ा कर सकते हैं। पहले 160, 159, 158, 154 है, तो यहाँ पर हमने देखा इसमें रामहरी सबसे लंबे है, रामहरी सबसे लंबे, सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे डोली सबसे छोटी है और रामहरी सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पर एक समझ में आ गया ना, इन्हें हमने क्या किया, लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में खड़ा किया। बढ़ते हुए क्रम को इस तरह से हम इन्हें क्या किया, हमने बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर दिया। किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर दिया। इसमें रामहरी सबसे लंबा है। आगे हम लोग देखेंगे 154, 158, 159, डोली इसमें क्या सबसे छोटी है, डोली क्या इसमें सबसे छोटी है। तो अब हमने देखा कि पहले सबसे छोटा था, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसे हम कौन सा क्रम कहते हैं, इसे कौन सा क्रम कहते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने है, यदि संख्याएं एक या दो अंकों की हो तो देख सकते हैं, बता सकते हैं कौन संख्या बड़ी छोटी है। यदि संख्याओं में अधिक अंक है तो अंकों की संख्या के आधार पर तुलना की जा सकती है, मैंने जो संख्या है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, इसकी तुलना की जा सकती है। यदि संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो तो सर्वप्रथम बाएं तरफ से अंकों की तुलना करते हैं। जिस संख्या का प्रथम बाएं अंक का मान अधिक होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। अभी इसको हम करके दिखाते हैं आप लोग, एकदम आसान है, एकदम हलवा है। आई संख्याओं के क्रम के बारे में जानते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर है, देख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर हो गया और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब आपको बताने, निम्नलिखित में से किसे आरोही क्रम में कहते हैं, किसे आरोही क्रम में कहा जाता है, आप लोग बताइए। असेंडिंग ऑर्डर हो गया, देखिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आपको यह बताना है कौन सा इसमें आरोही क्रम कहलाता है, कौन सा आरोही क्रम कहलाता है। सभी लोग बताइए फटाफट, कमेंट करके बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए आरोही क्रम क्या है, बढ़ते हुए क्रम। देखिए आरोहण माने चढ़ना, तो यह हो गया असेंडिंग ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम। और यह क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा आपका, आरोही क्रम माने डिसेंडिंग ऑर्डर है आपका आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर है आपका आरोही क्रम। ये इसका प्रयोग अभी हम लोग क्लास में करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी कोई गलती ना होने पाए। अब आरोही क्रम में देखिए, यहाँ पे देखिए गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब वही बात कह रहा है। ये किस क्रम में है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, माने आरोहण करना, असेंडिंग ऑर्डर। ये सबसे छोटा होता है, ऐसे समझिएगा अंग्रेजी में से असेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे छोटा होता है और डी की तरफ बढ़ता है, ए से डी की तरफ बढ़ता है, डी बड़ा होता है, डी से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, डी बड़ा है, ए से बड़ा है डी ना, तो डी डिसेंडिंग ऑर्डर माने आरोही क्रम, माने बड़ा से छोटा की तरफ चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम का मतलब क्या है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए, अर्थात जब दिए हुए संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो आरोही क्रम होता है। जब संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में व्यवस्थित किया जाता है तो संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है, जैसा कि मैंने भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम को हम घटते हुए क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, घटता हुआ क्रम कहते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आरोही ट्रेन, ट्रेन कौन सी है, आरोही क्रम की ट्रेन है। ये ट्रेन कैसी है, आरोही क्रम की ट्रेन है। आगे देखते हैं हम लोग अपनी संख्याओं की जानकारी, अपनी संख्याओं की जानकारी के लिए क्या है, जब दो या दो से अधिक संख्याओं को घटते क्रम में सजाया जाता है तब भिन्नों को इस क्रम में को हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। ये देख लीजिए इसमें, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, मैंने देख रहे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यही हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, इसे हम आरोही क्रम में कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, माने सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यह चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी और अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। अब हम और आगे चलते हैं, अंकों का स्थानांतरण। यहाँ पे देखिए अंकों का स्थानांतरण करना था, अब हमने क्या किया, पहले ट्रेन में 2, 8, 1 था, तो क्या किया, अंकों का स्थानांतरण करने के लिए इसको हम 8, 2, 1 कर दिया, क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। अब अंक यहाँ पे एक और है, अंकों का स्थानांतरण का मतलब है सांख्य के स्थान पर दूसरी संख्या को रखना, माने किसी एक स्थान पर दूसरी संख्या को रख देना, जैसे ये 281 हो गया, ये 597 है। आगे देखते हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे, संख्याओं को बताना, संख्या को बनाने के लिए, संख्याओं को बनाना, संख्याओं को बनाने के लिए हम संख्याओं को जोड़ना होगा। जब संख्या को बनाते हैं उसके लिए क्या करना होता है, संख्याओं को जोड़ना होता है। जैसे
तीन में दो जोड़ेंगे, तीन प्लस दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन और दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पांच। आप तो देख रहे हैं एकदम हलवा है। संख्याओं को जोड़ने का एक तरीका है जिसे जोड़ते जाना, अर्थात आप सभी बड़ी संख्याओं के ऊपर से तरह से गिनती शुरू करते हैं, योग प्राप्त करने के लिए एक एक करके सबसे छोटी संख्या गिनते जाते हैं। यदि आप जोड़ मन में कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अक्सर जोड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि मन में हम आगे बढ़ते रहते हैं। आप सबसे बड़ी संख्या के ऊपर की तरफ गिनती शुरू करते हैं और योग प्राप्त करने के लिए एक एक करके सबसे छोटी संख्या गिनते जाते हैं, जिससे हमने क्या किया, तीन दो पांच। आगे आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा दो तीन चार पांच छह, इसमें सबको ऐड करना था, इन सभी क्या करना, आपस में ऐड करना है। तो आपने क्या किया, आसान से जोड़ लिया, दो तीन पांच चार नौ, पांच चौदह छह, क्या होगा, एक अंक की संख्याओं को जोड़कर दो अंक की संख्या बनाना। देखिए तीन दो पांच, पांच चार नौ, नौ पांच चौदह, चौदह छह बीस, इसका योग क्या हो जाएगा, तो एक अंक की संख्याओं को जोड़कर हमने क्या किया, बीस। देखिए अट्ठावन सौ इकतीस, पचासी इकतीस, इकतीस अंठावन, अड़तीस इक्यावन, तिरासी इक्यावन, यदि इस प्रकार की कुल 24 संख्या प्राप्त की जा सकती है, मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 24 संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस प्रकार की कुल 24 संख्या प्राप्त की जाती है कैसे होगा, यहाँ पर किसका योग 15 होगा, मैंने एक अंक की संख्याओं को जोड़कर दो अंक की संख्या बनाया। जीरो का महत्व, आइए हम लोग जीरो का महत्व जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। जीरो का महत्व क्या है, ये जिसे हम शून्य कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम शून्य कहते हैं, इसे हम शून्य कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। एक गणित में जीरो का अद्भुत है, अकेला हो तो कोई मूल्य नहीं, इसके पहले एक लग जाए तो जीरो का मूल्य बढ़ते चले जाते हैं। बीजगणित या ज्योमेट्री में जीरो का वह स्थान है जहाँ से जरा सा भी हिले डुले, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या जो ऋणात्मक है, ज्योमेट्री में जीरो वह स्थान है जहाँ से जरा सा भी हिले धनात्मक ऋणात्मक भाव पैदा हो जाता है। ज्योमेट्री में सबसे बड़े कोण को बनाता है, भौतिकी में इसे सबसे अधिक ऊर्जा जमा होती है, भौतिक में इसमें सबसे अधिक ऊर्जा जमा होती है। मैंने शून्य का अगर हम महत्व देखें कि जीरो क्या है, तो जीरो का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपने सुना होगा जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आए, तो अंकगणित में जीरो बहुत ही अद्भुत है, अकेला है तो कोई मूल्य नहीं, इसके पहले एक लग जाए, जैसे यहाँ जीरो है, इसके पहले एक लग जाए इसका मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौतिक में सबसे अधिक ऊर्जा जमा होती है, ज्योमेट्री में अगर जरा सीधा उधर हुआ तो आप देखते हैं धनात्मक ऋणात्मक का खेल होने लगता है। अगला है इकाई दहाई गिनती, इकाई दहाई गिनती तो आप लोग भी जानते हैं, जैसे इकाई एक, दहाई दस, सैकड़ा सौ, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोग को इम्पोर्टेंट होगी, तो इसे आसानी से आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वैसे इसकी पीडीएफ आपको भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर आप लोग सर्च करना है, यहाँ पे जितने लोग लाइव देख रहे हैं आपको सर्च करना है दुर्गेश, जैसे टेलीग्राम पे आप दुर्गेश्वर सर्च करते हैं आपके सामने ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। मेरे द्वारा जो भी निशुल्क क्लास होती है, जैसे ये भी निशुल्क क्लास आप सभी के लिए, इसकी लिंक पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा, और प्ले स्टोर से ई लर्निंग भी दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ एनसीईआरटी की पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी, क्रमवार रूप से मिल जाएगी, चैप्टर वार, किसी संख्या को निकटतम 100 तक पढ़ाकित करना, आपने देखा होगा निकटतम मान निकालना, इसकी 892 का जो निकटतम है वो क्या होगा 900, क्या होगा 892 का निकटतम क्या होगा 900, नियर अबाउट लगभग, ये भी आपके परीक्षा में आता है, जब क्वेश्चन बैंक कराएंगे तब आपको बताएंगे इस तरह के सवाल कैसे परीक्षाओं में आते हैं। आगे है यदि दी गई संख्या का दहाई अंक देखिए, यदि दहाई का अंक 5 से कम है तो दहाई और इकाई के प्रत्येक अंक को 0 में बदल देते हैं, अन्य अंकों को वैसा ही रखेंगे। यदि दहाई का अंक 5 या 5 से अधिक है तो सैकड़े को 1 से बढ़ाएं और प्रत्येक अंक को उसके दाइयों ले जाएं, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 944 है, तो यहाँ पर यदि दी गई संख्या का दहाई अंक देखना है, अगर 3 अंक की संख्या तो उसमें दहाई अंक देखना है, दहाई अंक क्या है आपका 4 है, ये 5 से अगर कम है, यदि दहाई अंक 5 से कम है तो दहाई और इकाई को प्रत्येक अंक को 0 कर देंगे, मतलब इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। यदि दहाई का मान 5 से ज़्यादा हो, जैसे अगर हम देख लें यहाँ पे 457 है, तो यहाँ पे जो दहाई का मान है ये 5 है, 5 या 5 से अधिक है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको दोनों 0 बदल देंगे, एक बढ़ा देंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, ये 5 के बाद 2 0, ये 500, मतलब यदि दहाई का अंक 5 या अधिक है तो सैकड़े को 1 से बढ़ाएं और प्रत्येक अंक को उसके दहाई की ओर में क्या बदल दें, 0 बदल दें, मतलब 557 का जो निकटतम मान होगा वो क्या होगा, वो 500 होगा। आगे देखते हैं किसी संख्या का निकटतम 1000 तक पूर्णांकित करना, ये हो गया। अगर आपको और इकाई तक ज्ञात करना, जैसे यहाँ पे निकटतम मान में थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे दिया है एक अंक का, एक अंक जैसे मान लीजिए
ये 43 का निकटतम मान निकालना है, ये तीन क्या है 5 से कम है इसको लिखेंगे 40, अगर यहाँ पे लिया होता 47 इसका निकटतम मान क्या हो जाएगा 50। तो ये जो अंक होता है अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा तो अगले की तरफ जोड़ देंगे और नहीं तो जीरो लिख देंगे, जैसे इसमें क्या है 4 में एक जोड़ देंगे, 4 में क्या करें 1, अगर 5 या 5 से अधिक है तो उसके जो बाईं तरफ की संख्या होती है उसमें एक हमेशा जोड़ दिया जाता है, ये रट लीजिएगा याद कर लीजिएगा, और अगर 5 से कम है तो केवल उस संख्या को जीरो में बदल देते हैं। ये 2 अंक का हो गया, 3 अंक का हो गया, अब आइए हम देखते हैं 4 अंक की तरफ, मतलब किसी संख्या के निकटतम हर्जा, दी गई संख्या को सैकड़ा अंक देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है यही संख्या दी गई है, तो दी गई संख्या का सैकड़ा अंक क्या है 3 है, ये क्या है 5 से कम है तो सैकड़ा दहाई इकाई अंक में प्रत्येक जीरो, मतलब इसका निकटतम मान अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये 5 से कम है सैकड़ा अंक, जब कम है तो 4 के बाद क्या करेंगे 1 2 3, मान इसका निकटतम मान 4000 होगा, लेकिन अन्य अंकों को ऐसे रख देंगे, यदि 5 या 5 से अधिक है जैसे यहां पे दे दिया जाए, अब इस तरह से है, अब यहां पे सैकड़े का मान देखना है, सैकड़े मान क्या 5 से अधिक है, जब 5 से अधिक है तो सामने वाले अंक में 1 ऐड करेंगे, माने 7 से क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, उसके बाद 3 लड्डू 1 2 3, माने 7739 का निकटतम मान क्या होगा 8000 होगा, माने तो हजार तो हजार मान वाले को एक बढ़ाएं और प्रत्येक अंक उसके दाईं ओर जीरो लिख दीजिए। तो मतलब यहाँ पर हमने निकटतम मान ज्ञात करने का तरीका याद कर लिया, जान लिया, मैं उम्मीद करता हूँ अब कभी आपके परीक्षा में अगर निकटतम मान से सवाल आएगा आप इसे आसानी से कर लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पे लाइव मिल जाएगा, और उसके अलावा ये सीरीज प्रतिदिन आपको लाइव मिलेगी और आप चाहे तो डेली क्लास में इस तरह से जुड़ सकते हैं। अब एक है योग या अंतर का अनुमान लगाना, छोटी संख्या जैसे में कह दिया जाए इसमें सबसे छोटी क्या है 7 2 4 में, तो सबसे छोटी क्या होगी 2, सबसे बड़ी क्या है 7, दी गई संख्याओं में सबसे में छोटी संख्याओं के उच्चतम स्थानीय मान में पूर्णांकित करें, मैंने प्रश्न के अनुसार पूर्णांक संख्याओं को जोड़े या घटाएं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, जब प्रश्न बैंक हल करेंगे तो और इसे अच्छे से हम आपको बताएंगे और इसे समझाने का प्रयास करेंगे। आगे आपका उत्पाद का आकलन क्या है, यहाँ पे उत्पाद का आकलन मैंने प्रत्येक कारक उससे निकटतम अधिकतम मान तथा पूर्णांकित करें, पूर्णांकित किए गए कारकों से गुणा करें, भागफल का आकलन करें, मतलब यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से सभी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 से यहाँ पे है, 5 से यहाँ पर है, 5 से यहाँ पर है, 5 से माने एक टुकड़े में 5 से में, भाजक को भाजक के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करें ताकि विभाजन आसान हो जाए, भागफल प्राप्त करने के लिए विभाजित करें, माने यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सभी आपको समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए भाजक गुणे भागफल में शेषफल जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाज्य, अगर हम देखें भाज्य किसे कहते हैं, यहाँ पे देखें ये हो गया हमारा भाजक, इसमें भाग दे देते उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाज्य, जो हमें प्राप्त होगा उसे कहते हैं भागफल, यहाँ पे क्या बचेगा आपका शेषफल, हो गया आपका शेषफल, तो भाजक भाज्य, भाजक भाज्य भागफल और शेषफल, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों सॉरी गुणा कर दिया जाए और जितना भी है उनमें इस शेष को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तब हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा, तब हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, आसानी से भाज्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 562 में अगर 5 से भाग देते हैं तो भाजक 5, भाज्य 582, भागफल ये, अब देखिए इन दोनों को गुणा कर दिया जाए ना, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए भाजक और भागफल, भाजक और भागफल माने इन दोनों का गुणा कर दिया जाए और जितना भी आए उसमें अगर हम शेष जोड़ देते हैं 2, अगर 562 आ गया माने 112 गुणे 5 करने पे 2 जोड़ दे, यदि 562 आ गया तो हमारा भाग्य क्या है सही है। आगे हम लोग इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे हमने शॉर्ट में देख लिया तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, आगे हम इसे और अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगला है आपके सामने रोमन अंक प्रणाली, रोमन अंक प्रणाली उन प्रणालियों में से एक है जिसमें संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस प्रतीकों का उपयोग किया गया, इसे रोमन अंक कहते हैं, 1 5 10, तो यहाँ पे 6 यूज करना है तो 5 + 1 5 + 1 कर दिया तो क्या हो गया ये 6 हो गया, मैंने किसी भी रोमन अंक को 3 बार तक नहीं लिखा जा सकता, रिपीट 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा सकता, जैसे यहाँ पे 5 6 7 8 इसका मतलब 8 है, इसके लिए ये अगर देखिए 5 6 7 8 9 अगर 9 लिखा जाए तो ये आपका गलत होगा, ये क्या आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है,
ये सही है, ये मैंने किसी भी रोमन अंक का तीन अंक से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं है। अगर दाएं तरफ रोमन अंक लगता है तो जुड़ता है, बाईं तरफ लगेगा तो घट जाता है। जैसे पांच में से एक घटा दिए इसकी वैल्यू चार, लेकिन अगर पांच में दाएं तरफ लिख देंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी छह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है। आगे हम लोग देखते हैं रोमन अंक भी हम लोग पढ़ेंगे। रोमन अंक परीक्षा में पूछा, रोमन अंक में हिंदू अरबी प्रणाली की संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए सात प्रतीक चिन्ह होते हैं। कितने? सात प्रतीक चिन्ह होते हैं, यह रट लीजिएगा, यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एनसीईआरटी मैथ की सीरीज है आपके लिए। कौन सी सीरीज है? एनसीईआरटी मैथ की सीरीज है। ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से मेरे द्वारा निःशुल्क आप सभी को मिल रही है, देश हित में राष्ट्रहित में। आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को, और आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखिएगा। रोमन पद्धति में अंकों लिखते समय कुछ नियम का पालन करना होता है, आइए उस नियम को जोड़ते हैं। सात सिंबल, एक का फर्स्ट, पांच, एक्स का टेन, एलसीडी का पचास, सौ, पांच सौ, एम का माने एक हजार, एलसीडी एम माने एक हजार होता है, याद रख लीजिएगा, हमेशा आपके काम आएगा। स्क्रीनशॉट जरूरत पड़े तो करते चलिएगा। अब हम और आगे चलते हैं, इसके नियम क्या है। रोमन अंक में एक प्रतीक की पुनरावृत्ति का अर्थ है जोड़। अगर किसी पुनरावृत्ति का अर्थ दाईं तरफ करते हैं इसका मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब अगर किसी पुनरावृत्ति की करते से यक्ष यक्ष पुनरावृत्ति की, इसका मतलब जोड़, इसका मतलब क्या हो गया आपका? जोड़। अर्थात ये क्या हो गया? इसका 10 10 इसका मतलब 20। एक प्रतीक को तीन बार से अधिक दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन प्रतीकों को 5LD को कभी दोहराया नहीं सकता, याद रखिएगा। VL और D इनको कभी भी दोहराया नहीं जा सकता, मतलब 10 करना है तो ऐसा नहीं इसका मतलब 10, ये गलत है। मैंने याद रखिएगा 50 और 500 के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं इन्हें किसी भी दशा में कभी भी दोहराया नहीं जाता। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार आपसे कहूंगा, ये मोस्ट IMP है। यदि अधिक मान के बाईं ओर से कम मान का अंक लिखा जाता है तो परिणामी मान उनके अंदर उनके अंतर को ज्ञात करके प्राप्त कीजिए। जैसे यदि अधिक मान के बाईं ओर कम अंक मान लिखा जाता है तो परिणामी मान उनके अंतर को ज्ञात कर। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम 10 है, इसके आगे लिख दे आई, तो क्या हो जाएगा? ये 9, माने इसको लिख सकते 10 - 1। यहाँ पे कह रहा है यदि अधिक मान के बाईं ओर क्या मैंने लिखे 1 लिख दिया, यहाँ पे देखिए 1 फर्स्ट लिख दिया तो मान लिखा जाता है, तो परिणामी मान उनके अंतर को ज्ञात, माने 10 में से 9 इसका मान क्या हो जाएगा? 9, तो उनके अंतर से हम ज्ञात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट्टा मार के रखना होगा, क्योंकि गणित में कुछ चीजें अगर क्रम से समझेंगे तो और अच्छे से मेरे साथ पढ़ पाएंगे। अब कह रहा है यदि अधिक मूल्य के दाईं ओर कम मूल्य का अंक लिखते हैं तो परिणामी मूल्य उनके योग, जैसे 10 है ये क्या हो गया आपका 11, मतलब ये कैसे आया? इसमें आया 10 + 1 = 11। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, प्रतीक VLD कभी भी अधिक मूल्य के प्रतीक के बाईं ओर नहीं लिखे जाते, याद रखिएगा। VLD माने 50, 5, 50 और 500 कभी भी अधिक मूल्य के प्रतीक के बाईं ओर नहीं लिखे जाते। दूसरे शब्दों में VLD को कभी भी घटा नहीं सकते, जैसे ये है यक्ष है, इसमें से V नहीं घटा सकते, किसी भी दशा में कभी भी नहीं घटा जाता, ये आप लोग याद रखिएगा, ये किसी भी दशा में घटाया नहीं जा सकता। जो मैं समझाना चाह रहा समझ गए? प्रतीक फर्स्ट को केवल 5 और यक्ष में से घटाया जा सकता है, याद रहे जो फर्स्ट है ये केवल यक्ष को LMS और C से घटाया जा सकता है। देखिए यक्ष को LMC से घटा, जैसे यहाँ पे हम जानते हैं L हो गया 50, यक्ष लिख दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हम यक्ष को LMC से घटा सकते हैं, LM और C से घटा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट को केवल इनसे घटाया जा सकता है, केवल 5 से और x से, मतलब हम यूं कह सकते हैं 5 एक को 5 और 10 से में से ही घटाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, प्रतीक x को केवल LMC से ही घटाया जा सकता है, रख लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए। अब हम आगे चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, बार बार कहना पड़ेगा क्या। अब देखिए यहाँ पे कुछ रोमन नंबर दिए गए हैं, मैं चाहूंगा रोमन जो नंबर है ये इन्हें आप देख लीजिए, एक का आई 5x, देखिए दिख रहा है आप लोग को ना, सभी को कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पर क्या हो गया, एक का देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का यहाँ पे क्या है 10 है, 10 का यहाँ पर 10 है, 11 का 11, 12, 13 का देखिए x के बाद ये देखिए x है 13 है, 14, 15 है, 20 का क्या है डबल F, 20 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको समझ में आ गया,
आई वी एक्स माने 1, 5, 10 से हमने प्रयोग करके 20 को बना दिया। देखिए 19 कैसे लिखा हमने, ये 19 हो गया हमारा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, बाकी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। कोष्टक वाले किसी व्यंजक सरल बनाने के लिए हम सख्ती से क्या करते हैं, बोधमास का उपयोग करते हैं। बोधमास माने ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर इसे आप भी कहते हैं, माने ठीक है ब्रैकेट तोड़ते फिर जो ऑर्डर है, अंडर रूट एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, या ऑफ लिखा हुआ है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये है बोधमास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट सीरीज आज आप लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अब की बार हर हाल में एक्सिट हमारा बेसिक गणित है, एनसीईआरटी मैथ है आपके लिए। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे है ब्रैकेट कोष्टक का विभाजन गुणन योग घटाव, हिंदी में कहते हैं काको पहले काट दे ता करिएगा भाग, गुणा कर धन जोड़ लियो, अंत में लियो घटाए। हो गया स्क्रीनशॉट, आगे आते हैं। गुणनफल कैसे याद करते हैं ये भी याद रखिएगा, यह है गुण, जिस गुणक से गुण में गुणा करने पर, यह गुण है यह गुणक है, और क्या आता है गुणनफल प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं गुणनफल कहते हैं गुणक। देखिए गुण क्या हो गया आपका, दो जिससे गुणा करते हैं वो गुणक, और जो प्राप्त होता है गुणनफल। गुण में गुणक से हमेशा गुणा किया जाता है और जो प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहा जाता है। समझ में आ रहा कितनी बेसिक गणित आज आप पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन जो लेना है आपको। अब हम बात करते हैं भिन्न की, किसी संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है, भिन्न को दो पूर्ण संख्याओं का भागफल, भिन्न का एक उदाहरण है 3/5, इसमें 3/5 में अगर देखा जाए जैसे a बटे बी है, तो जहां पर a क्या होगा अंश बटे है, इसको पढ़ा जाता है a बटा बी, a a बटा बी, इस तरह इसको पढ़ा जाता है a बटा बी पढ़ा जाता है। इसमें क्या उदाहरण हो गया, अंश 3 हो गया और हर 5 कहलाता है, 1/2, 1/4, 1/5, 1/23, 1/12, 1/6, 1/8। तो यहां हम लोगों ने देख लिया इसे हम भिन्न कहते हैं, ऊपर को अंश नीचे हर, नीचे क्या होता है हर होता है, ठीक। जैसे एक केक को 4 भाग में दर्शाएंगे, उसमें से एक भाग को निकाल दिया जाता है, जैसे यहां पे एक केक है, इसके 4 पार्ट है, ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे 1/4, इसको अगर एक भाग को निकाल दिया जाए तो कहेंगे 1/4 भाग निकाल देंगे, बचा के अगर 1/4 निकल गया तो कितना बचेगा 3/4, माने 3 हिस्सा बचेगा, कितने में से 4 हिस्से, इसी को कहे शब्दों में कहेंगे 1/4 भाग काट कर निकाल दिया गया और 3/4 भाग बचा। मतलब हम यूँ कह सकते हैं एक केक में से यदि हम 1/4 निकाल देते हैं तो हमें क्या पता है 3/4 के शेष बचता है। ये जब भिन्न पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको और अच्छे से बताएंगे समझाएंगे ताकि आपका गणित में रुझान बन सके। आप देख रहे हैं केक था 4 भाग केक था, माने पूरा केक एक था और इसको 1/4 हिस्से में डिवाइड किया गया था, इसका 1/4 काट लिया गया, अब जो शेष बचा है वो 3/4 है, 3/4 शेष है, निकला हुआ 1/4 है और ये जो पूरा केक है ये कितना है 3/4 शेष। अब देखिए एक आता है संख्याओं का अनुमान, माने वास्तविक मान के उचित अनुमान को संख्याओं का अनुमान कहा जाता है, माने वास्तविक मान के उचित अनुमान को संख्याओं का अनुमान कहा जाता है। जी हाँ, वास्तविक मान के उचित अनुमान को संख्याओं का अनुमान कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक मान के उचित अनुमान को संख्याओं का अनुमान कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। संख्या संचालन के परिणाम का एक त्वरित मोटा अनुमान शामिल संख्याओं को पूर्णांकित करने के लिए किया जाता है, जैसे लगभग में, जैसे हम पूछ ले कि आप अपने परीक्षा में लगभग कितना अंक पा सकते हैं, तो आप एक अंदाजा लगाते हैं और हमेशा हाईएस्ट बताते हैं, कुछ लोग लोएस्ट बताते हैं, सर शायद मेरा इतना होगा या अधिकतम होगा, तो संख्याओं का लगभग अनुमान लगाया जाता है कि यार आपकी नौकरी कब तक लगेगी, सर इस साल लग जाएगी, अगले साल लग जाएगी, सर हम इस बार कैसे कितना अंक नंबर ला के पास होंगे अपनी कक्षा में, तो ये एक अनुमान होता है। तो संख्या संचालन परिणाम का एक त्वरित मोटा अनुमान शामिल करते हैं। अनुमान में क्या क्या नियम है, देखिए अनुमान के नियम, संख्या 1, 2, 3, 4, 0 और संख्या 6, 7, 8, 9, 10 तक पूर्णांकित करके निकटतम दहाइत तक संख्याओं का अनुमान लगाया जाता है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था जो 5 है 5 से ज़्यादा और 5 से प्लस माइनस, ऊपर हमने बताया था अभी शायद आपको याद होगा, जैसे 1 से 49, 0 और संख्या 51 से 99, 100 तक पूर्णांकित करके निकटतम सैकड़ा तक अनुमान लगाया जाता है, इसे लगभग निकटतम मान।
अगर 149 तक है, मानिए दहाई का अंक जो है अगर ये 5 से कम है तो उसको बाईं तरफ 0, दाईं तरफ भी 0, माने 0 कहा जाएगा। अगर बाईं तरफ 51 से 99 तो इसको 100 करेंगे। इसको भी ऊपर हम लोगों ने नियम से पढ़ लिया था। अगर 1 से 499 तक है तो इसको 1 0 और संख्या 501 से है तो 999 को 1000 तक पूर्णांकित करके निकटतम हजारों में संख्याओं का अनुमान लगाया जाता है। आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट कर लें, वीडियो को एक बार देख लें, समझ में आया दोबारा देखिएगा, और इसके बाद जब हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो आपको और मजा आएगा और आपको लगेगा हाँ यार ये तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी माने अनुमान में आवश्यक सटीकता के लिए मात्रा का अनुमान लगाना शामिल। हम क्या करते हैं, आवश्यक सटीकता के आधार पर उपरोक्त नियमों को लागू कर सकते हैं। हम अनुमान के नियमों को लागू करने में भी योग अंतर गुणा का अनुमान लगा सकते हैं। हम आवश्यक सटीकता के आधार पर उपरोक्त नियमों को लागू कर सकते हैं। कितनी जल्दी उत्तर का पता लगाया जा सकता है, कितनी जल्दी उत्तर का पता लगाया जा सकता है। एक है टॉपिक आपका भागफल। भागफल क्या होता है ये देखिए, डिवाइडेंड होता है, पैटेंट होता है, ये डिविजर होता है। जैसे भाग क्या है, गुणा करने की क्रिया की विपरीत क्रिया को विभाजन या भाग करना कहा जाता है। भाग को इस चिन्ह के या इससे जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 12/3, तो ये जो बटे का चिन्ह होता है इसको भी भाग से प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप शायद देख पा रहे होंगे। अब इससे जो प्राप्त होगा ये क्या हो गया हमारा भागफल, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। माने भाजन, भाजन गणित में यह क्रिया जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल और उन संख्याओं में से एक के दिए रहने पर दूसरी ज्ञात की जाती है, तो गुणनफल को भाज्य, डिवाइडेंड या नंबरेटर दी हुई संख्या को भाजक, अभी संख्याओं को भागफल कैटेंट कहते हैं। ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसलिए यहाँ पे समय आपका ना गंवाया जाए। भाग करते समय जिन संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं, मतलब भाग करते जिन संख्या में भाग दिया जाता है, ये भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा आपका समय हम नहीं व्यतीत करना चाहेंगे। जैसे आप देख लीजिएगा एकदम स्पष्ट रूप से बताया है, देखिए ये भाजक हो गया, ये भाजक है, ये भाज्य है, भाजक 5 है, 1500, इसको ऐसे भी सकते हैं 1588। इसमें क्या भाजक क्या हो गया 5, भाज्य हो गया 1588, 317 बार गया ये भागफल होगा, शेषफल 3। इसका रूल क्या है, भाजक में अगर भागफल माने इसका गुणा अगर इसमें कर दिया जाए और ये गुणा कर दिया जाए और जो शेष है इसे ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ये बार बार नियम हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं नियम आपको पहले से भी पता होगा सभी लोग। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम पर आप लोग से मैं बार बार कहूँगा कि दुर्गेश्वर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा उसे ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, जहाँ पे सभी क्लास नोट वीडियो आपको फ्री मिलेगी। ये पूरी एनसीईआरटी की सीरीज हम आपके लिए लेकर आए थे, ये पहला लेसन था, पहला चैप्टर था आपका और आपके विषय का गणित का। और अगर आप प्ले स्टोर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर लेंगे वहाँ पे सभी वीडियो लेक्चर क्रमवार आपके टॉपिक वाइज बुक के अनुसार आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी साथी अगर घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ये नंबर आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। ठीक है, और ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से मेरे द्वारा निःशुल्क चलती है, देश हित में राष्ट्रहित में। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, ये लेन दुर्गेश ऑफिस का नंबर है और एनसीईआरटी सीरीज है मेरे द्वारा आप सभी को निःशुल्क मिल रही है। आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और हाँ, इस वीडियो को सभी अपने मित्रों को शेयर करिएगा, एक बेसिक गणित है, एनसीईआरटी गणित है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अप टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स, स्टेट, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप
प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012 या 7398883002 पर। एड्रेस जौनपुर, यूपी।